आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट रोजाना मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर तक 5 माह का मिलेगा फ्री चावल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई से नवंबर माह तक का चावल निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है। प्रदेश के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक 5 माह का चावल निःशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड के 2,51,46,424 सदस्य लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मई एवं जून का चावल का भी निःशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवंबर माह तक का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री आज 9 जून को बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले में 565 करोड़ रुपए की लागत के 1430 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण भूमि पूजन। मुख्यमंत्री बघेल 9 जून को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले में लगभग 565 करोड़ रुपए की लागत के 1430 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें से बलौदाबाजार जिले में 295 करोड़ रुपए की लागत के 1172 कार्यों का और महासमुंद जिले में 270 करोड़ रुपए की लागत के 258 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं अगला ब्रेकिंग न्यूज है, जारी रहेगा डीएड बीएड संघ का आंदोलन। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद भी नहीं निकला कोई हल। रायपुर बीएड डीएड के हजारों कैंडिडेट चयन के बाद भी नियुक्ति की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही। इसके बाद डीएड बीएड संघ ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। डीएड बीएड संघ के लोगों का कहना है कि 30 जून तक अपने अपने घरों के बाहर धरना देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकॉम ने कहा है कि कोरोना कम होने और स्कूल खुलने पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। बता दें, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ नियुक्ति को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे। संघ ने ऐलान किया था कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 9 जून से भूख हड़ताल करेंगे। बीएड डीएड के हजारों कैंडिडेट चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से सरकार से नाराज हैं। बता दें कि कोरोना काल में संघ काफी समय से खामोश बैठा था। लॉकडाउन हटते ही छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ ने अपना आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई थी। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ ने कराया 1,03,229 जोड़ों का विवाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में 1,03,229 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया को उनके राजधानी स्थित निवास कार्यालय में गोल्डन बुक की अधिकृत प्रतिनिधि सोनल राजेश शर्मा ने यह प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक भी उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 जिलों में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। सभी जिलों को राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडो स्टेडियम परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होकर विभिन्न जिले के नवविवाहित जोड़ों से बातचीत कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री भेड़िया ने इस अवसर पर कहा कि महंगाई के समय में कम खर्च में शादी के लिए सामूहिक कन्या विवाह एक अच्छी योजना है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, फ्री वैक्सीन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, सिंहदेव राज्य को लौटाना चाहिए वैक्सीन का पैसा, 47,34,00,000 रुपए के टीके किए थे ऑर्डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए राज्यों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की थी। इस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य के खरीदे वैक्सीन राशि केंद्र सरकार को लौटाना चाहिए। प्रदेश में 18 प्लस लोगों के लिए अब तक 47,34,00,000 रुपए के वैक्सीन का ऑर्डर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को राष्ट्रीय अभियान घोषित करते हुए 18 प्लस के लिए राज्यों को फ्री में वैक्सीन सप्लाई करने का फैसला लिया है। यह राष्ट्रीय अभियान है तो राज्यों द्वारा खरीदे गए वैक्सीन का पैसा वापस लौटना चाहिए।
राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड को 11,66,630 वैक्सीन और भारत बायोटेक कोवैक्सीन को 2,52,270 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। इस तरह 14,18,700 से ज्यादा डोज के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसकी कुल राशि 47,34,00,000 रुपए है। अभी भी 4,47,000 वैक्सीन आनी बाकी है। अगली खबर है घायल बाघिन का ऑपरेशन रेस्क्यू। अचानकमार टाइगर रिजर्व में शिकारियों के बिछाए कांटेदार तार में फंसने की आशंका, कान्हा नेशनल पार्क की टीम ने बचाया। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बाघिन शिकार होते होते बच गई। पिछले 4 दिन से गंभीर रूप से घायल अवस्था में घूम रही इस टाइग्रेस को जंगल से बिलासपुर के कानन पेंडारी जू लाया जा रहा है, जहां उसका इलाज किया जाएगा। बाघिन को बचाने के लिए कान्हा नेशनल पार्क, उदंती सीतांदी और रायपुर जंगल सफारी के डॉक्टर एक्सपर्ट यहां पहुंचे थे। टाइगर रिजर्व के छपरवा रेंज के सांभरसान जंगल में एक बाघिन घायल अवस्था में 4 दिन से घूम रही थी। इसकी सूचना ग्रामीणों ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को दी थी, बावजूद उसके ATR प्रशासन ने उसके रेस्क्यू का कोई प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे बात जंगल से कोटा लोरमी के लोगों और फिर रायपुर वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंची। PCCF वाइल्ड लाइफ नरसिम्हा राव को भी यह खबर दी गई। इसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हुआ। PCCF ने खुद जिम्मा संभाला और कान्हा नेशनल पार्क प्रबंधन से डॉक्टर व एक्सपर्ट भेजने कहा। सोमवार शाम को PCCF अपने साथ उदंती और रायपुर जंगल सफारी की टीम लेकर अचानकमार पहुंचे। बाघिन का लोकेशन कला पानी के पास मिला। मंगलवार तड़के 4 बजे से रेस्क्यू शुरू किया गया। टीम को जल्द ही बाघिन दिख गई। पहले उसे ट्रैक्यूनलाइज करने की बात कही गई, लेकिन कान्हा से आए एक्सपर्ट ने बाघिन को घायल बताते हुए पहले ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में बेहद सावधानी से उसे बेहोश किया गया और पिंजरे में डाला गया। नेक्स्ट अपडेट है, प्रदेश में पहली और दूसरी डोज को मिलाकर अब तक 71.51 लाख टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाने का काम जोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में पहली और दूसरी डोज को मिलाकर अब तक 7 जून तक कुल 71,50,985 टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 45 वर्ष से अधिक के 70% नागरिकों को इसका पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स और 90% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 8,63,508 युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें 1,07,492 अंत्योदय परिवारों के, 3,49,036 BPL परिवारों के, 3,26,659 APL श्रेणी के और 80,321 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 58,67,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इनमें से अब तक 45,32,937 लोगों को कोरोना से बचाव के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। अगला अपडेट है, CG पोर्टल बंद होगा, बढ़ेगा टीके का टेंशन। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा, अब केंद्र के कोविन पोर्टल पर ही होगा रजिस्ट्रेशन। PM मोदी के फ्री वैक्सीनेशन की पॉलिसी अभी स्पष्ट नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में फ्री वैक्सीन देने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में टीके को लेकर टेंशन अब और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में CG टीका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अब प्रदेश में जो भी टीकाकरण होगा वो केंद्र सरकार के बने पोर्टल कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। तकनीकी रूप से अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में फ्री टीके देने का ऐलान कर दिया है। अब तक चूंकि 18 से 44 एज ग्रुप के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार टीका खरीद रही थी, इसलिए यहां टीकाकरण के लिए अलग पोर्टल बना था। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ चुनिंदा राज्य था। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार की खरीदी के बाहर के टीके कोविन पोर्टल पर ही रजिस्टर होंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिनों स्थिति और साफ होगी, मगर फिलहाल अब सिर्फ उनका ही टीकाकरण होगा जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका है। बुधवार को इसे लेकर एक विभागीय बैठक भी होगी। इसके बाद सरकार ये बताएगी कि आगे टीकाकरण किस तरह से होगा। सिंहदेव ने केंद्र के फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद मीडिया से कहा कि है कि अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर हम यहां टीकाकरण जारी रखना चाहते हैं तो क्या हमें टीका खरीदना होगा? ये भी साफ नहीं है कि अब तक जो खरीदा है उसका पैसा रिफंड होगा क्या, केंद्र को ये बताना चाहिए। प्रदेश में टीकाकरण हम जारी रख सकते हैं, हालांकि इस पर फैसला विभागीय समीक्षा के बाद करेंगे। अगली बड़ी खबर है, 21 दिन पहले पलटी बस पर बवाल, अंबिकापुर कलेक्टर बोले इसके लिए नेशनल हाईवे के अफसर जिम्मेदार। RTO को दिए उन पर FIR दर्ज कराने के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पलटी बस अब नेशनल हाईवे के अफसरों के लिए फांस बन गई है। जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इसके लिए NH के अफसरों को जिम्मेदार बताया है, साथ ही RTO को उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं।
जिले के उदयपुर में करीब 21 दिन पहले के चलते बस पलट गई थी। इसमें 16 यात्री घायल हुए थे। कलेक्टर झा मंगलवार को ऑनलाइन बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। दरअसल रायपुर से महिंद्रा ट्रैवल्स की बस झारखंड के गढ़वा जा रही थी। इसी दौरान उदयपुर के ग्राम गुंगा में तड़के करीब 4 बजे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए थे। हादसे के समय बस में 35 यात्री सवार थे। आशंका जताई जा रही थी कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण हादसा हुआ होगा। हालांकि चालक बस छोड़कर भाग निकला था। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, टूल किट विवाद। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे, याचिका दायर कर FIR खत्म करने की मांग। टूल किट विवाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज FIR को खत्म करने की मांग की है। कहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। भाजपा के दोनों नेताओं के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में 19 मई को FIR दर्ज कराई गई थी। फिलहाल याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। दोनों भाजपा नेताओं ने अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि जिस टूल किट को लेकर अपराध दर्ज किया गया है वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था। याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल डॉक्यूमेंट पर टिप्पणी की है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं बनता है। अब इस मामले में रोस्ट के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, सिलगया में गोली के बाद बोली डिप्लोमेसी। मुख्यमंत्री के पास पहुंचा सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल, कहा सिलगया के ग्रामीण मिलना चाहते हैं। CM बोले ठीक है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने बस्तर से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। मुद्दा सिलगया में चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन का था। प्रतिनिधि मंडल के बस्तर से आने की खबर सुनकर नक्सल ऑपरेशन के चीफ अशोक जुनेजा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बंद कमरे में करीब 30 से 45 मिनट तक चली इस चर्चा में ग्रामीणों के हफ्तों से जारी आंदोलन, वहां पुलिस की गोली से हुई लोगों की मौत और फोर्स के कैंप की वजह से ग्रामीणों को आ रही दिक्कतों पर बात हुई। पूरी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सिलगया पर बातचीत के जरिए हल निकालने के मूड में नजर आए। इस मीटिंग में मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया, छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते व अन्य शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के इस प्रतिनिधि मंडल को बताया कि सिलगया घटना की दंडाधिकारी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।